तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि हिस्ट्री कंप्यूटर की क्या होती है, इतिहास क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का चरित्र चित्रण क्या होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का अपने अपना चरित्र के हिसाब से आदमी एक समाज में नाम कमाता है, कोई जो कैरेक्टर लेस होता है, कोई कैरेक्टर फुल होता है, तो जो जैसा व्यक्ति होता है समाज उसको उसी के हिसाब से, उसी के निगाह से देखती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कंप्यूटर का कैरेक्टर कैसा होता है, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिएगा ध्यान से, कंटिन्यू छोड़िएगा मत, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। अब हम टॉपिक करेंगे, तो ये है आपका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का चरित्र चित्र। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर एक कंप्यूटर का अपना अपना एक अलग अलग क्वालिटी होती है, तो मैं एक ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा आपको, एक कॉमन चीज है जो हर कंप्यूटर में आपको पाई जाएगी, जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं, जो आजकल के कंप्यूटर होते हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर उसमें काफी होते हैं, मैं एक एक पॉइंट आपको लिखाऊंगा और एक एक पॉइंट का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही शॉर्ट में दोस्तों, ज्यादा मैं समय ना लूंगा। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें ये होती है हाई स्पीड का मतलब होता है कंप्यूटर की तेज चाल, या कह सकते हैं कि तीव्रता, या हाई स्पीड में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत तेज, तो यही कुछ समझ लीजिए कि कंप्यूटर का हाई स्पीड का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप जानते हैं कि कंप्यूटर आज के डेट में इतना ही तेज गति से एक कार्य करने वाला एक ऐसा मशीन हो चुका है जिसको हम जो भी काम मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं, मतलब अपने बड़े से बड़े गणना को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जो काम हम अपने मैनुअली कॉपी पेन से किसी भी कैलकुलेशन को करने में घंटों समय लगा देते हैं, ठीक उसी काम को आजकल के डेट में कंप्यूटर जो होता है, अगर आप उस कैलकुलेशन को कंप्यूटर से करना जानते हैं और कर रहे हैं, तो बहुत ही एक घंटे का समय न लेकर के आपका कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को केवल एक मिनट में, या यूं कहें कि अगर आप फॉर्मूले की मदद से आप काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कंप्यूटर का एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका कंप्यूटर आपके पलक झपकते ही आपको रिजल्ट दे देता है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम होती है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर मिल जाते हैं। तो यही होता है कंप्यूटर की हाई स्पीड दोस्तों, कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में कंप्यूटर ऐसी डिवाइस हो चुकी है जो सब जगहों पे प्रयोग की जाती है और बहुत ही तेज तरीके से वो काम कर सकता है। दूसरी चीजें क्या होती है कंप्यूटर में, दूसरी चीजें होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है दोस्तों शुद्धता। जैसे हर एक काम करता है तो हर एक आदमी का जो काम होता है, कुछ आदमियों के अंदर प्योरिटी होती है और कुछ आदमियों के काम के अंदर अनप्योरिटी होती है, मतलब कुछ लोग काम अच्छा करते हैं और कुछ लोग उसी काम को करने में काफी समय लगा देते हैं, कुछ लोग उसी में भद्दे तरीके से काम कर जाते हैं। तो मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप कंप्यूटर पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, कि हमारा कंप्यूटर जब भी काम करता है तो वो किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं करता है। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक सही इंस्ट्रक्शन यानी सही इनपुट या सही निर्देश आपने दिया है, तो आपका कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट या गलत आउटपुट कभी नहीं देता है। हाँ, अगर आपको गलत आउटपुट मिल भी जाता है तो उसमें दो फॉल्ट आप समझ लीजिए, उसमें दो फॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। पहला तो ये होता है कि हो सकता है किसी ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, यानी जो कंप्यूटर पे काम करने वाला यूजर है, वो गलत तरीके से या गलत इंस्ट्रक्शंस दिया हो, तब गलत रिजल्ट आता है। या तो कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्निकल खराबी हो जाए, यानी जब उसके कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं कंप्यूटर में, जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या उसके वो प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तब जाके आपका कंप्यूटर जो है आप गलत इंस्ट्रक्शन से गलत आउटपुट देने लगता है। नहीं तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई गलत आउटपुट नहीं आती, ये 100% श्योर एंड प्योर रिजल्ट देता है। तीसरी चीज होती है दोस्तों डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है गुण, यानी हर एक वो आदमी जो परिश्रम करता है वो एक गुणी आदमी कहा जाता है, जो दिन रात मेहनत करता है उसको गुणी आदमी कहा जाता है, उसको परिश्रमी कहा जाता है। उसी तरह हमारा कंप्यूटर एक परिश्रमी होता है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है दोस्तों कि अगर आप
किसी भी प्रकार का अगर उससे काम लेते हैं तो वो बिना बिना थके लगातार घंटों काम कर सकता है। यही नहीं कि आपका 2 से 3 घंटे लगातार चला सकता है, कंपनियों में तो एक कंप्यूटर को लगातार 8-8 घंटे तक वर्क उस पर किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, अगर उसको हमें चलाना है तो उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत पड़ती है और हमें चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। उसी तरह कंप्यूटर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक। दोस्तों की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी काम को हमारे माता पिता या हमारे गार्जियन या हमारे पेरेंट्स किसी भी प्रकार का काम देते हैं तो हम काम करते रहते हैं और काम करते करते लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद थक जाते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं होता, हमारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार की थकावट और कमजोरी से कोसो दूर होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती है। इसीलिए कंप्यूटर को गुणी बोला जाता है और कंप्यूटर को परिश्रमी बोला जाता है कि वो आप उसमें लगातार घंटों काम करते रहे लेकिन उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं गलत मिलेगा। चौथी चीज होती है दोस्तों, चौथी चीज होती है वर्सेटिलिटी, मतलब होता है कि बहुमुखी। कंप्यूटर को बहुमुखी क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि कंप्यूटर में ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या गुण होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर को बहुमुखी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कंप्यूटर यूजर है, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको ये भी पता भी होगा कि कंप्यूटर एक साथ में कई सारे वर्क कर सकता है लेकिन हम एक साथ में कई सारे वर्क नहीं कर पाते हैं। जो पहले का कंप्यूटर होता था दोस्तों, वो बहुत सारा ऐसे कंप्यूटर होते थे जो होते तो बड़े थे लेकिन वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, बहुत स्लो होते थे, बहुत ज्यादा आवाज वाले होते थे और उसके साथ साथ में वो बहुत कम काम कर पाते थे। अगर उन पे ज्यादा टास्क दिया जाता था वो बहुत जल्दी हीट होके बहुत जल्दी रिस्टार्ट हो जाते थे, बंद हो जाते थे, मतलब उनमें ये समझ लीजिए कि हीटिंग प्रॉब्लम से वो कभी कभी खराब भी हो जाते थे। लेकिन आजकल के डेट में जो डिजिटल कंप्यूटर आए हुए हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे मार्केट में कंप्यूटर चल रहे हैं, i3, i4, i5, i7 जो है, जो डुओ कोर टूडियो है, जो अच्छे अच्छे प्रकार के कंप्यूटर हमारे आए हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है वर्सेटिलिटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। वर्सेटिलिटी का मतलब बहुमुखी होता है कि दोस्तों हम जब अपने कंप्यूटर पे ये कहें कि एक साथ में एक समय में आप कई सारे वर्क को कर सकते हैं। जैसे क्यों कहा जाता है उसे कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको उबन महसूस हो रही है तो आप कहते हैं कि यार लाओ थोड़ा सा हम म्यूजिक स्टार्ट करके थोड़ा सा इंटरटेन करते हैं और इंटरटेन के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जब हम इंटरटेन के साथ अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उस तरीके से हमारा कंप्यूटर एक तरीके से वर्सेटाइल या वर्सेटाइल डिवाइस हो गया। कहने का मतलब कि आप तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट तो बना ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में आप म्यूजिक का भी आनंद उठा रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रिंटिंग निकालना हुआ तो साथ साथ में आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाके आपको काम करना पड़ा तो उस सॉफ्टवेयर को हमें काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले के कंप्यूटर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको अगर दूसरा काम करना है किसी यूजर को तो उसे उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रकार के प्रोग्राम को आप काट के दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना पड़ता था। लेकिन आजकल के कंप्यूटर में ऐसी कोई चीजें नहीं है, आपको अगर कोई कंप्यूटर में ऐसी चीजें नहीं है, आप जो भी काम करोगे एक साथ में डबल ट्रिपल कोई भी काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगली चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कंप्यूटर के अंदर इसकी क्वालिटी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में आपको बताएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों की स्टोर करने की क्षमता, यानी भंडारण क्षमता। हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी मात्रा में स्टोर क्षमता होती है कि वो हमारे डाटा को या इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से स्टोर कर सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में आज के डेट में मेमोरी का बहुत बड़ा योगदान है कि कंप्यूटर में जो भी चीजें डाउनलोड की जाती हैं, जो भी अपलोड की जाती है, या कहा जाए कि किसी भी प्रकार का डाटा अगर हम इन्फॉर्मेशन अपना बना के रखते हैं, चाहे वो हमारी ऑफिस की फाइल हो, चाहे हमारी स्कूल कॉलेज की फाइल हो, या हमारे किसी भी प्रकार की फोटो हो, सॉफ्टवेयर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, एनी टाइप्स ऑफ डेटा, आप उसको स्टोर करके अपने कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है अलग अलग कंप्यूटर में अलग प्रकार की स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वो स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर डिपेंड करती है कि आपकी हार्ड डिस्क कितने जीबी का या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। अगर आपने 80 जीबी के हार्ड डिस्क लगाई हुई है आपके कंप्यूटर में, बिल्कुल नॉर्मल होता है 80 जीबी के हार्ड डिस्क, और उस 80 जीबी के हार्ड डिस्क में आप केवल 80 जीबी का ही डेटा रख सकते हैं। और अगर आपने 160 जीबी लगाई है, 320 जीबी लगाई है, या 500 जीबी लगाई है, या 1000 जीबी या 1 टीबी 2 टीबी लगाई है, तो दोस्तों जैसा हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारा डाटा अपने कंप्यूटर में अपलोड हो सकता है, या हम कह सकते हैं अपने कंप्यूटर में उसी तरीके से डाटा रख सकते हैं।